अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। आज जो मैं आपके साथ अपनी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है शीश तवोक, और ये बोनलेस चिकन से बनती है। और इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिए हैं और उसके क्यूब्स कर लिए। मैंने ये ब्रेस्ट पीस के बनती है और मैंने इसके क्यूब्स कर लिए हैं, ठीक है। तो ये मेरी हाफ के जी की है, ठीक है, ये मेरी हाफ के जी की चिकन है बोनलेस, ठीक है। अब इसके साथ हम क्या क्या मैरिनेशन है तो आए आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे एक घंटे के लिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लूँगी 3/4 कप योगर्ट लूँगी, 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऑलिव ऑयल डालूँगी, 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें लेमन जूस डालूंगी, 1 टीस्पून जो है इसमें मैं पेपरिका पाउडर डालूंगी भर के, 1 टीस्पून मैं इसमें क्यूमिन सीड डालूंगी यानी जीरा पाउडर डालूंगी, 1 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी, काली मिर्चें डालूंगी और सॉल्ट हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। आप तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, कम खाते हैं तो कम। 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाला, 1 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगी पिसा हुआ। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। इसको हमने कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है की मैरिनेशन के लिए, ताकि इसका मसाला अच्छे से रच बस जाए। ये मिक्स होने के बाद मैं आखिर में इसमें ओरिगानो डालूंगी, ओरिगानो भी मैं इसमें 1 टीस्पून डालूंगी। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। तो गाइज़, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा चिकन जो शीश तवोक है ये बिल्कुल से मैरिनेट हो चुका है। मैंने इसको कवर अप कर दिया है, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको इससे कवर अप कर दिया है और अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और फिर हम इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। जी गाइज़, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 1 घंटा गुजर चुका है और ये मेरा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए, ये हमारे पास बारबेक्यू की स्टिक्स हैं, ठीक है। इसको हमने क्या करना है कि हम इसको इसमें प्रोएंगे, लेकिन इससे पहले आपने इसको 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दें तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और इजीली हम इसमें बोटियों को अपने लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शिमला लगाएंगे, ये बोटी लगाएंगे हम इसमें और हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरी चिकन बिल्कुल से मैंने स्टिक पे कर दी है, ठीक है, मैंने इसको स्टिक पे कर दी है। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। पहले हमने पैन को गरम किया है मीडियम फ्लेम पे, 1 टेबलस्पून बस हमने इसमें ऑयलिंग करनी है, सिर्फ इसको ग्रीस करना है और से जब ये तेल गरम होगा फिर मैं इसमें स्टिक्स डालूंगी। जी गाइस, अब ये तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसको बटा रही हूँ। फ्लेम हम इसको स्लो रखेंगे। जी गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा शीश तवोक बिल्कुल से रेडी है और हमने इसको आप खुबुस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पीटा ब्रेड के साथ और लेबनीज़ ब्रेड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन हमने इसको फ्रोज़न पराठों के साथ सर्व किया है, मेरे बच्चों को ऐसे पसंद है। और इसके साथ हमने हमूस रखी है और हमारी सैलेड है, तो कुछ इस तरह से हमारी शीश तवुक रेडी है। और बताइएगा आपको कैसी लगी, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।